automatically in a decentralized way. और जितने भी मेरे दोस्त देन उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा. कितने लोग ऐसे हैं जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर आए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स. जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के अंदर आए हैं जल्दी से अपना हैंड रेज करें सो दैट मेरे को समझ में आ जाए कितने लोग हमारे दोस्त हैं जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं. अकॉर्डिंगली आई विल कंडक्ट द मीटिंग. सो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग फर्स्ट टाइम आज इस मीटिंग के अंदर आए हैं. मेरे दोस्त अगले एक मिनट के अंदर बाकी लोगों को भी कनेक्ट कर लीजिए, जो भी लोग आपके दोस्त हैं जो लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, सो दैट विल स्टार्ट द मीटिंग. और हर एक इंसान मैं चाहता हूं कि अगर आज इस मीटिंग के अंदर आप आए हैं, अगर आप कनेक्ट कर ही गए हैं, तो प्लीज प्लीज हर एक इंसान यहाँ पे शुरू से मीटिंग को देखे. क्योंकि आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं मोस्ट ऑफ चीजें टेक्निकल बातें करने वाले हैं, टेक्निकल चीजों पे बात करने वाले हैं. और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग पहली बारी आज के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें आप सुनेंगे जो आज आप पहली बारी सुनेंगे. तो चलिए मैं एक मिनट का आपको टाइम देता हूँ, एक मिनट के अंदर बाकी लोगों को भी कनेक्ट कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट द सेशन. ओके, सो मेरे दोस्त यहाँ पे 822 से ज्यादा लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. और आप जितने भी लोग आ गए हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. एंड जो लोग अभी क्योंकि हमारा हाउसफुल होने वाला है, इसके बाद जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यूट्यूब में हमारा लाइव है, आप यूट्यूब में भी कनेक्ट कर सकते हैं. यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुँचा चुका हूँ, आप अपनी टीम को भी भेज सकते हैं. क्योंकि बहुत जल्दी हमारा ये जो मीटिंग है अगले 2 या 3 मिनट के अंदर हाउसफुल होने वाला है. So, जो भी लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप में ऑलरेडी आपको लिंक भेज चुका हूँ. तो आप चाहें तो अपनी टीम को या फिर आपके जो भी नए फ्रेंड्स होंगे उन सब लोगों को आप यू नो यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं. और जो मेरे दोस्त कनेक्ट कर गए हैं, मैं आपको एक चीज बोल दूं मेरे दोस्त, अभी अगले 1 या 2 या 5 मिनट के अंदर आप देखिए हमारा जो यू नो सेशन है, हमारा जो मीटिंग है, ये सारी तरीके से यू नो हाउसफुल होने वाला है. तो अगर बीच में आप मीटिंग को छोड़ते हैं, ट्रस्ट मी, दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी मीटिंग को छोड़ना मत. सो चलिए, वेलकम टू फोर्सास ग्लोबल टीम, राइट. एंड ये एक ऐसी, देखिए हर एक इंसान हर दिन कोई ना कोई कंपनी का मीटिंग अटेंड करता है. आप सब लोगों के पास हर दिन कोई ना कोई कंपनी का मीटिंग का लिंक आ जाता होगा और आप लोग अटेंड करते होंगे. बट ट्रस्ट मी, आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज नॉट अ कंपनी. अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो कोई कंपनी ही नहीं है, आपको बड़ा अचंभव होगा, राइट. अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई कंपनी नहीं है तो देयर आर नो बैक ऑफिस, यहाँ पे कोई भी हेड ऑफिस, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट ऑफिस टाइप की चीजें नहीं है. अगर मैं ये कहूं कि कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है. देयर आर नो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है. मेरे दोस्त, जब भी कभी किसी कंपनी का सवाल आता है, जब भी कभी किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, 1 महीने के अंदर आपको पे आउट आता है, 1 हफ्ते के अंदर आपको पे आउट आता है. लेकिन ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है, दुनिया का इकलौता यू नो इंडस्ट्री है जहां पे यू गॉट विद इन अ सेकंड पेमेंट, जहां पे आपको 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आता है मेरे दोस्त. और किसको आज नहीं चाहिए तुरंत पैसा? आपने जब भी किसी कंपनी के अंदर काम किया होगा, आपने से बहुत सारे लोग जो आउटपुट डाले, इनपुट उतना नहीं मिल पाया. रीजन बिहाइंड दैट व्हाट, कि आप लाख रुपए कमाने के लिए करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, यू नो करोड़ रुपए कमाने के लिए अरबों का टर्नओवर कर रहे थे, 1000 रुपए कमाने के लिए आप लाख का टर्नओवर कर रहे थे. बट दिस इज द ओनली सिस्टम ओवर द वर्ल्ड विच गिव्स यू 100% पे आउट. दुनिया का इकलौता सिस्टम जो आपको 100% पे आउट देता है मेरे दोस्त. एंड जब भी किसी कंपनी के अंदर आप जाते हैं, जब भी किसी कंपनी का प्लान देखते हैं आप, सबसे पहले आपको एक डर होता है कि मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं उसका प्लान ना बदल जाए, वो कंपनी बंद ना हो जाए. अगर प्लान बदल गया, अगर कंपनी बंद हो गया, तो मेरे क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा, मेरा नाम खराब होगा, मार्केट में मेरी वैल्यू कम होगी. मेरे दोस्त, कोई भी कंपनी, सिनाटो इंडिया की नंबर 1 कंपनी भी आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि हम कभी भी अपना प्लान नहीं बंद करेंगे, हम कभी भी अपना प्लान नहीं चेंज करेंगे. बट आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं मेरे दोस्त, अगर इसको आप समझ गए, सीना ठोक के आप सामने वाले को बोल सकते हो कि दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट है, दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे कभी भी सिस्टम का प्लान नहीं बदलने वाला, जहां पे सिस्टम की चीजें नहीं चेंज होने वाली, जहां पे आपको 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आने वाला है और जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है.
बिफोर दैट आगे अपन कोई बात करें, आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम किस बेस काम करता है। हमारा सिस्टम काम करता है क्रिप्टो करेंसी पे, बट व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? बिफोर दैट यू मस्ट नो दैट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया कैसे। उसके पहले आप जाने इवैल्यूएशन ऑफ मनी, जिसको अपन बोलते हैं धन का विकास। आपको याद हो, आपने सुना होगा आपके दादा दादी नाना नानी से कि बहुत पहले जो लेन देन होता था, ट्रांजेक्शन होता था, वो होता था बार्टर सिस्टम पे। दैट आपने जमीन खरीदा, जमीन के बदले में गाय दे दिया, राइट। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करा, कोई भी लेन देन करा, बदले में सामान के बदले में आपने सामान दे दिया। समय बदला, मार्केट के अंदर आया गोल्ड, गोल्ड के माध्यम से भी लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा। समय और बदला, मार्केट के अंदर आया तांबे का सिक्का। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत होना था, रखने में बहुत दिक्कत होना था, राइट। एंड थोड़ा सा और समय बदला, मार्केट के अंदर आया पेपर मनी, जिसको अपन नोट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे। कैसे प्रॉब्लम? जरा सोचिए, आपके घर के अंदर करोड़ों रुपए रखे हैं, आपको डर में नींद नहीं आएगा चोरी ना हो जाए। और जब तक लोग अपने घरों में पैसे रखते थे, चोरियां भी बहुत जबरदस्त होती थी। देन मार्केट के अंदर आया प्लास्टिक कार्ड, जिसको अपन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। सो दैट कि आपको घर में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखो, जब आपको जरूरत है तब आप पैसे निकाल सकते हो, जितना आपको जरूरत है उतना आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या सच है ऐसा? अगर आपको 1 करोड़ रुपए निकालना है, कि आप बैंक एटीएम से निकाल सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि वहां पे एक थर्ड पार्टी कंट्रोल है, ये जो भी ट्रांजेक्शन है, इन सारे ट्रांजेक्शन के अंदर एक थर्ड पार्टी कंट्रोल है। सो दैट मार्केट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, कि भाई ठीक है, आपको एटीएम तक जाना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठ के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी, कि बिना थर्ड पार्टी कंट्रोल का, फॉर एग्जाम्पल कि आप करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, आपका बैंक आपको लिमिट दे रहा 50,000 का, तो आप 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके बैंक ने ऐसा लिमिटेशन रखा है, राइट। मतलब जहां पे भी थर्ड पार्टी है, यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे का 100% मालिक नहीं बन सकते हैं। मेरे दोस्त, ऑलरेडी हमारा हाउसफुल हो चुका है, अब जो मेरे दोस्त मीटिंग को छोड़ेंगे, ट्रस्ट मी, आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। और जो भी कोहोस्ट हैं, वेटिंग रूम चालू ऑलरेडी ऑन हो गए हैं, अब आप इनमें से देख लीजिए, जिनको भी ऐड करना है आप कर दीजिए, बड़े किस्मत वाले लोग ही मीटिंग के अंदर अब ऐड हो पाएंगे। सो बोलते ना, नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अगर समस्या आती है तो समाधान भी आता है। मेरे दोस्त, ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एज अ क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमारा फोर्स आज मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एंड व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली? क्रिप्टो करेंसी आर डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम कोड। जैसे आप एक मुद्रा यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया के अंदर रहते हो, भारत के अंदर रहते हो, तो आप रुपए यूज करते हो। द सेम वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप जाते हो, किसी भी देश के अंदर जाते हो, कोई ना कोई आपको करेंसी यूज करना चाहता है, करना पड़ता है, कोई ना कोई आप करेंसी यूज करते हैं। बट दिस इज द ओनली करेंसी ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की इकलौती करेंसी जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। अगर आप रुपया यूज करते हैं तो आप दुबई में नहीं यूज कर सकते हो, अगर आप रुपया यूज करते हैं तो आप नोसा कैनेडा में नहीं यूज कर सकते हो, अगर आप रुपया यूज करते हैं तो अमस्टरडम, बुडापेस्ट, नीदरलैंड, हंगरी की जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन इफ यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप यूज कर सकते हैं। एट बेस्ट पार्ट इज व्हाट, विद द सेम वैल्यूएशन, सेम वैल्यू के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त, राइट। और ये है पावर क्रिप्टो करेंसी का। देयर आर नो नीड एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे करीब करीब 50 लोग हमारे अभी वेटिंग के अंदर है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज अपने ग्रुप्स के अंदर यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर दें, सो दैट कि वो लोग भी मीटिंग अटेंड कर पाए। हमारा हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है, करीब 50 लोग अभी वेटिंग रूम के अंदर हैं। सो जल्दी से जो भी लोग यहाँ पे हैं, अपनी टीम को आप प्लीज यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर दें। ओके, सो ये दुनिया की इकलौती करेंसी है जहां पे आपको कोई सेंट्रल बैंक या फिर किसी बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। विदाउट थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन यू कैन ट्रांजेक्ट अमाउंट एज मच यू एज कैन। आपको जितना ट्रांजेक्शन करना है आप उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी का। आगे मैं लेके चलता हूँ, आप बड़े जितने भी लोग यहाँ पे, बड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपने पहले भी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना था लेकिन आप नेगलेक्ट कर रहे थे, आप कैलकुलेटर ऑन कर लो, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। आज अगर आप क्रिप्टो करेंसी नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हो, लेकिन स्टिल आप लोगों से बहुत पीछे हैं। क्योंकि अगर मैं केवल एक कॉइन की बात करूं, बिटकॉइन का, इसका केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन 970 बिलियन डॉलर है मेरे दोस्त। 970 बिलियन डॉलर केवल एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है बिटकॉइन।
मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता कॉन्सेप्ट, दुनिया की इकलौता करेंसी जो हाई रिटर्न वैल्यू की आपको गारंटी देता है। और कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे ज्यादा लोग ऑलरेडी वेटिंग रूम के अंदर है, प्लीज उनको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करें। मेरे दोस्त, अगर आज को ये मैं कहूं कि 10 साल पहले आप किसी जगह पे 50 रुपए इन्वेस्ट किए होते और आज उस 50 रुपए का 50 लाख रुपए हो जाता, तो शायद आप मेरा मजाक उड़ाएं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली करेंसी दैट इज बिटकॉइन, जिसका आज से 10 साल पहले जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था, एट दैट टाइम इसका जो कीमत था 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए होता था मेरे दोस्त। और आज एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू जो है, दैट इज 48,000 डॉलर। 48,000 डॉलर का मतलब सीधा सीधा 40 से 45 लाख रुपए के बीच में एक कॉइन का कीमत। जस्ट थिंक अबाउट कि आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले आपने 5,000 रुपए डाल दिया होता, तो आज आप कितने करोड़ के मालिक हो सकते थे। और ये केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर हो सकते हैं। इफ यू थिंकिंग अबाउट, आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, यू नो दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरे दोस्त, साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल। ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने पर काम कर रही है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, देखो इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई थिंक इज, बोलते ना कि अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता। लंगड़ा उस इंसान को नहीं बोलते जो पैरों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। थिंक अबाउट यू दिस टाइप, यू आर राइट। लेकिन सच में आपको बताऊं, आज जिस कंपनी वीजा हो, दे ऑलरेडी एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी फॉर देयर यू नो पेमेंट सेटलमेंट। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो क्रिप्टो, ऐसे मैं इतने सारे न्यूज आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप इंडिया से हो, राइट, यहाँ पे देखें, आप बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स। मेरे दोस्त, आज इंडिया के अंदर ऑटो वाला तक क्रिप्टो करेंसी ले रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे है जो बहुत तेजी से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पे कदम रख रहा है। यहाँ पे आप देखें, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने लाखों रुपए की बिटकॉइन एसआईपी देने का फैसला किया। किसको? जो लोग ओलंपिक पे यू नो पार्टिसिपेट किए थे। आप एक चीज समझिए कि आज हर एक चीज, आज अगर आप मार्केट के अंदर यू नो न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, मार्केट के अंदर अगर आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर बहुत चर्चित है दोस्त, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से मार्केट के अंदर चल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। हर दिन कोई ना कोई न्यूज चैनल के अंदर, हर दिन कोई ना कोई न्यूज पेपर के अंदर आपको ये देखने मिलता होगा। और अगर आप इसको अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत पीछे हैं मेरे दोस्त लोगों से। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आप बहुत पीछे हैं लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर, इंडिया दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, सेकेंड सबसे बड़ी कंट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, फिर बहुत तेजी से इस करेंसी के अंदर यू नो काम कर रही है। एंड व्हाट्स इज एलन मस्क? एलन मस्क सेज नाउ यू नो टेस्ला, एलन मस्क से टेस्ला व्हीकल का नाउ बी बोट यूजिंग बिटकॉइन, राइट? मतलब टेस्ला बोल रही, टेस्ला की कार आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन से। बिफोर दैट यू मस्ट नो हु इज एलन मस्क। एलन मस्क इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। एंड व्हाट इज टेस्ला? टेस्ला इज अ यू नो फर्स्ट ऑटो पायलट कार कंपनी ओवर द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी का कार आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास बिटकॉइन है। इफ यू थिंकिंग अबाउट कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे दोस्त, यू हैव टू थिंक अबाउट अगेन एंड अगेन। अगर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कंपनी को बोल रहा है कि आप खरीद सकते हो बिटकॉइन से, आप कहां पे एग्जिस्ट करते हो? यू हैव टू थिंक अबाउट अगेन, राइट? आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं अपन। इंडिया के अंदर ऑलरेडी 14 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इन दिसंबर 2020 के अंदर। मेरे दोस्त, अगर आगे अपन और चलें, भाई इसके बारे में और अपन देखें, 7 साल पहले एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है और आज उसका 625 करोड़ रुपए हो जाता है। जरा आप सोचें एक चीज कि कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आप 1 लाख रुपए लगाते हो, 7 साल बाद 625 करोड़ रुपए हो जाता है। मेरे दोस्त, ये केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर हो सकता है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर आप इसको नहीं समझ रहे हो, अगर आप इसको यू नो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप बहुत पीछे हैं दुनिया से मेरे दोस्त। आगे अपन चलते हैं और इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं, फोर्सेस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, राइट?
एंड यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो मेरे दोस्त इतने न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा सकता हूँ, हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर आज मार्केट के अंदर है। एंड व्हाट सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे श्री धर्मपुरी श्रीनिवास है जो राज्यसभा सांसद है तेलंगाना से, एंड इन्होंने पूछा था राज्यसभा के अंदर, क्वेश्चन नंबर है 2551, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 जुलाई 2019 का, दैट क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होगा, जिसका आंसर किया था स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिस्टर अनुराग ठाकुर। एंड व्हाट ही सेज, कोई भी इंसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कभी भी नहीं बैन करने वाली। और अभी जस्ट एक दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल आया था दैट कि यस लीगल टेंडर फिएट एज अ फिएट करेंसी कंसीडर हम नहीं करेंगे भारतवर्ष के अंदर, लेकिन एज अ कमोडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करने जा रही है क्रिप्टो करेंसी को। अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है तो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, ये रखा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। And what is the blockchain technology? Blockchain technology is the most latest, is the most safest, and the most advanced technology over the world. Dunya ka sabse advanced, dunya ka sabse jabardast, and dunya ka sabse safe technology agar koi hai market ke andar to wo hai blockchain technology. Aap bolo sir kya faltu baatein bata rahe ho? Agar aapko ye faltu lagta hai na, kal ka aap newspaper dekh lena, kal newspaper mein aaya tha ki CBSE bhi blockchain technology ko use karne ja rahi hai documents ka sahi record rakhne ke liye. Mere dost, Tamil Nadu government become first state to unveil ethical AI, cyber security policy for their state. Tamil Nadu government already अपने यहाँ पे अपने प्रदेश के अंदर cyber security के लिए blockchain technology का use कर रही है, पहला प्रदेश है भारतवर्ष के अंदर। आज मैं आपको बताऊँ पूरा का पूरा दुबई सरकार, जिसको आप पहनावा copy करते हैं, जिसका style copy करते हैं, वो भी blockchain technology का use करता है। Before that, you must know what is the blockchain technology. ब्लॉकचेन टेक, जैसे हर एक व्यवसायी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसी न किसी तरीके का यूज करता है, चाहे तो टैली हो चाहे तो कोई और तरीका हो, सेम वे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यूज करा जाता है बिजनेसमैन या फिर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को रखने के लिए। फोर्सेस में क्यों बोल रहा था कि फोर्सेस कभी नहीं बंद होगा, बड़ा ध्यान से देखना, एक बारी जब भी कभी कोई भी ट्रांजेक्शन आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉय करते हैं, डालते हैं, सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर में इंटरनेट अवेलेबल होता है, By default, वो सारे के सारे डिवाइस के अंदर आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब इसको अगर आप मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो नहीं डिलीट कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको डिलीट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एज अ पब्लिक लेजर क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब भी कभी कोई भी ट्रांजेक्शन आप डिप्लॉय करते हैं द ब्लॉकचेन, सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर ये डिप्लॉय हो जाता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, अगर कोई इंसान इसको डिलीट करना चाहे तो एक जगह से डिलीट नहीं कर सकता, एक जगह से एडिट नहीं कर सकता। द सेम वे फोर्सेस एक बार बनने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया गया। अब अगर कोई इंसान चाहे इवन फोर्सेस का क्रिएटर भी चाहे फोर्सेस को डिलीट करना, एडिट करना, तो मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको डिलीट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट से आपको एडिट करना पड़ेगा, तब तक जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से आप डिलीट नहीं करोगे पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। राइट, यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अभी 50 से ज्यादा लोग ऑलरेडी YouTube के अंदर वॉच कर रहे हैं, और जो भी लोग यहाँ पे, मैं फिर बोलूंगा अगर आप मीटिंग छोड़े दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। आप बोलो सर कैसी मजाक कर रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए हो सकता है आप मेरी बात ना मानो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी की बात आप बड़ा ध्यान से सुने, वो क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, मैं आपसे बात करूंगा। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे, और इन सब का सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को
इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो जैसे आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, यू नो वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यू नो अपनाने जा रही है। आप यहां पे देखिए वर्ल्ड वाइड बैंकिंग पे अगर अपन जाए HSBC BBA वीजा डेबिट एंड क्रेडिट कंपनी ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ये कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट के आगे गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, दे ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। इन द सेम वे एथियाड एयरवे, सिंगापुर एयरवे, डेटा एयरबेस, ब्रिटिश एयरवे, दे ऑलरेडी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। सो आगे अपन चलते हैं, फोर्सेस के बारे में एक और चीज जानते हैं। रिजोर्स फोर्स द 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। दैट ए कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, राइट, एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी है, एक कंपनी के अंदर MD है, CMD है, एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, एक कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कंपनी के अंदर यू नो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है जब वो चाहे आपकी कंपनी का प्लान बदल सकता है। और आप में से बहुत सारे लोग भोगी होंगे मेरे दोस्त, किसी ने किसी कंपनी में काम किए होंगे और जब मूड हुआ कंपनी का, कंपनी ने प्लान बदल दिया। एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? फोर्सेस को एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एक बार सिस्टम बनने के बाद अगर ब्लॉकचेन के अंदर डल गया तो फोर्सेस के फाउंडर का भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो सिस्टम को बदल दे, सिस्टम को चेंज कर दे। और फोर्सेस आज 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। 31 जनवरी 2020 को फोर्सेस मार्केट के अंदर आया था, इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो थे। और मेरे दोस्त 31 जनवरी 2020 से लेकर आज तक हमारा ना कोई प्लान रुका है और ना ही किसी का पेमेंट एक मिनट के लिए रुका है और ना किसी की ID ब्लॉक हुए। मेरे दोस्त, आप बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं और जैसे किसी और कंपनी को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, आपकी कंपनी आपका पेमेंट रोक देती है, आपकी ID टर्मिनेट कर देती है। जितना मेहनत आप किए होते हैं आपका पूरा मेहनत पानी फिर जाता है। मेरे दोस्त, दुनिया के इकलौता सिस्टम जहां पे आप सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मैं यहां पे काम अगर करता हूं तो कल के लिए अगर मैं किसी और कंपनी में चला भी जाता हूं, इस सिस्टम का क्रिएटर भी चाहे ना, इस सिस्टम का क्रिएटर भी आपकी ID को ना ब्लॉक कर सकता है ना आपका पेमेंट रोक सकता है मेरे दोस्त, और वो है फोर्सेस। आज यहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहां पे कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है, प्लान और पॉलिसी चेंजेबल नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी, एब्सोल्यूट ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाइड। किसी कंपनी का क्या आप बैलेंस शीट देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे आप सिस्टम का ये भी देख सकते हो, सिस्टम के अंदर कितना बैलेंस है, कितना पे आउट किया गया है, इवन क्रिएटर की ID खोल के आप क्रिएटर का यू नो देख सकते हो, क्रिएटर ने कितना अर्निंग करा है मेरे दोस्त। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, P2P, देर आर नो यू नो वे दैट की कंपनी के पास पेमेंट जाता हो और कंपनी आपका पेमेंट आपको रिलीज करता हो, विद इन अ सेकेंड P2P ट्रांसफर हो जाता है, सिस्टम के पास कोई भी पेमेंट नहीं जाता है। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, असली प्लान शुरू होता है हमारा। अब जैसे ही आप फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फोर्सेस के अंदर कौन कौन सी करेंसी काम करती है, यहाँ पे काम करती है एथेरियम, ट्रोन एंड BUSD। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ BUSD के बारे में। एथेरियम और ट्रोन अभी भी चल रहा, यहाँ पे कुछ बंद नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो BUSD ये क्यों मार्केट के अंदर आया है? आप अगर किसी न किसी यू नो क्रिप्टो बेस्ड प्लान से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा जब भी किसी कंपनी के अंदर अपन जाते हैं, जब भी किसी प्लान के अंदर अपन जाते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दैट जैसी प्लान का यू नो जैसी किसी यू नो करेंसी का रेट बढ़ा, आपका ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ जाता है और आपको बहुत सारे ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं। ये दुनिया का इकलौता सिस्टम मेरे दोस्त, बोलते हैं ना कि विनर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, लूजर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर से फोर्स आज लेके आया एज अ स्टेबल कॉइन। व्हाट इज द BUSD? BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर 2019 के अंदर लॉन्च करा था और ये आपके बाइनेंस एंड USD के प्राइस को बैलेंस करता है, जिसको अप्रूव किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस न्यूयॉर्क, राइट, गवर्नमेंट ऑफ USA ने, और इसको अप्रूव भी किया था उन्होंने और इसको रेगुलेट भी उन्हीं के द्वारा करा जाता है। इसका जो प्राइस है टोटली डिपेंड ऑन व्हाट इज द प्राइस ऑफ USD एंड 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, राइट, 1 BUSD का प्राइस 1 USD के बराबर है, राइट, और आगे भी रहेगा। जैसे आप फोर्सेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, यू नीड
10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन, मतलब करीब करीब 900 से 950 रुपए, और विद द गेस्ट फीस आपको यहाँ पे 1000 रुपए के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। आपका 10 BUSD का जो यू नो डिस्ट्रीब्यूशन है, X3 के अंदर 5 BUSD जाता है, X4 के अंदर 5 BUSD जाता है। इन दोनों को अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो इन दोनों को अलग अलग आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, इन दोनों को आपको साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आप यहाँ पे देखें फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4 का पहला पहला स्लॉट आपका बुक हो जाता है। अब ये स्लॉट क्या है, कंपनी के अंदर होता है लेवल, उन लेवल को अचीव करने के लिए आपको इतनी की टीम बनानी है, इतना टर्नओवर देना है, और मेरे बड़े सारे दोस्त वो लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टीम नहीं बना पाते हैं और इस कारण वो बड़ा इनकम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर बड़ा इनकम लेने के लिए बड़ा टीम बनाना बहुत जरूरी है, बड़ा लेवल पे जाना बहुत जरूरी है। फोर्सेस ने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दैट यू कैन यू नो यहाँ पे आप चाहें तो डे वन पे आप यहाँ के टॉप डेजिग्नेशन को ले सकते हैं और यहाँ का टॉप यू नो अर्नर बन सकते हैं। मेरे दोस्त आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे आप देखें टोटल 12 स्लॉट्स हैं, एंड मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे तो 12 के 12 स्लॉट डे वन पे आप बाय कर सकते हैं विथ योर ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट से। चलिए अपन आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 का। जितने भी लोग हैं अगर आपने हिला अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लान हमारा शुरू हुआ है अब। सबसे पहले अपन बात करते हैं X3 का, दिस इज द 100% वर्किंग प्लान, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए 3 लोगों का स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम करता है स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान से देखो। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है विद द 5 BUSD मिनिमम आपको एक पोजीशन मिलता है, दैट इज यू राइट विद द 5 BUSD, और आपको करना क्या है जो अभी तक करते आए थे वही करना है मेरे दोस्त, जस्ट टीम बनानी है। और जैसे ही आपने किसी एक इंसान को रेफर किया मिस्टर वन का, आपको पेमेंट आता है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट कि सर कितना पेमेंट आएगा, 10%, 15%, 20% मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता सिस्टम, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म जहां पे 5%, 10% की बात ही नहीं करती, सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा 100% आपको पेमेंट आता है। जैसे किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं दूसरे का भी 100% आपको पेमेंट आता है, तीसरे का 100% 100% पेमेंट आपके रीइन्वेस्टमेंट पे चला जाता है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर फुल हुआ था, और ये आपको चला जाता है आपकी इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को। सर चौथा आएगा तो क्या होगा, चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवे का 100% आपको आएगा, छठवां 100% आपकी अपलाइन को चला जाएगा मेरे दोस्त। ये बार 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 ये स्ट्रक्चर रिसाइकल होता रहेगा, पहला दूसरा आपको मिलेगा, तीसरा आपकी अपलाइन को चला जाएगा, और कितना आएगा 100% आएगा। सर कितने टाइम में आएगा, 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। आगे अपन चलते हैं, दैट इज X4। X4 आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं राइट, और आपकी टीम वहां पे काम नहीं कर पा रही है, आपकी डाउनिंग वहां पे काम नहीं कर पा रही, आप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप पैसे कमाएंगे? नहीं कमाएंगे, और यही कारण है बहुत सारे लोग बहुत नुकसान किए। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे आपकी टीम नहीं काम करती तब भी आप पैसे कमाते, कैसे? बड़ा ध्यान से देखना। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है विद द 5 BUSD आपको पोजीशन मिलता है यू नाम से। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं विद द 5 BUSD X3 के अंदर पहले का आपको 100% मिला था, यहां पे पहला और दूसरा 100% अप्लाइंग पे चला जाता है। जैसे ही कोई तीसरा आपकी टीम के अंदर आता है तीसरे का 100% आपको आ जाता है, चौथे का 100% आपको आ जाता है, पांचवा का 100% आपको आ जाता है, छठवां आपकी इमीडिएट पार्टनर को चला जाता है, आपके अप्लाइंग पे चला जाता है। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनके आईडी X3 के अंदर लगा था, कोई अलग लोग नहीं थे। आप बोलो सर वो तो ठीक है, आप बोल रहे थे कि अगर हम काम नहीं कर पाए तब भी आएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे स्पिल ओवर नाम की भी चीज होती है। मान लीजिए आप टीम नहीं बना पाए तो ये जो X1, 2, 3, 4, 5 है ये आपके इमीडिएट पार्टनर से भी भर सकता है, आपके अपलाइनों से भी भर सकता है, और आपकी क्रॉस लाइनों से भी भर सकता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं मेरे दोस्त, जहां पे ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, जहां पे यू नो बिना अप्लाइंग के बिना काम के भी आप बहुत जबरदस्त इनकम ले सकते हैं। आप बोलो सर कैसे पॉसिबल है, आप झूठ बोल रहे हो। रुक जाओ 10 मिनट में सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, लेकिन उसके लिए रुकना आपको पड़ेगा। X3 एंड X4 का यू नो वर्किंग स्ट्रेटेजी कैसा है, अगर 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनाते हैं X3 के अंदर 4 का आपको मिलता है, X3 के अंदर 3 का आपको मिलता है। एंड व्हाट इज द ट्रिपल X, यहां पे आपको $8 की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है शुरू में 2 लोग, उसके नीचे आप देखें 4 लोग, और उसके नीचे देखें 8 लोग, टोटल 14 लोगों का स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे काम करता है, फर्स्ट ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आपके स्ट्रक्चर में X3 और X4 के अंदर भी लगे थे।
वन एंड टू का आपको नहीं मिलता है, आपके अपलाइन को जाता है सी डी ई, इन तीनों का आपको 30% मिलता है, लास्ट वाला रिसाइकल करता है, और जी एच आई जे के एल एम यहां पे सात लोगों का आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और कितना मिलता है 70%, 30% एंड 70% आपको इनकम मिलता है मेरे दोस्त आपकी अपलाइनों से और आपकी डाउनलाइनों से। आगे मैं चलता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे ये सिस्टम काम करता है, और जितने भी लोग यहां पे हैं मेरे दोस्त हिल मत जाना आप, क्योंकि असली प्लान आपका शुरू होता है अब अगर आपने चीजों को सुन लिया समझ लिया। बहुत सारी चीजें हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप आठवें स्लॉट में, एक कंडीशन है अगर आपको दोबारा उस स्लॉट का पेमेंट लेना है एक बार ये स्ट्रक्चर रिसाइकल करने के बाद, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट, आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा, नौवें स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करोगे तो सेम स्लॉट का इनकम आप दोबारा नहीं ले पाओगे। अगर दोबारा आपको सेम स्लॉट का इनकम लेना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब मैं एक आइडियल स्टार्ट, सर वो सब ठीक है, बताओ कितने से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कम से कम 5 स्लॉट से X3 X4 के अंदर स्टार्ट करो, ट्रिपल एक्स में आपके श्रद्धा अनुसार। और अगर केवल 12 लोगों को रेफर करते हो मेरे दोस्त, अभी तक आपने 500 लोगों की टीम बनाई होगी, हजारों लोगों की टीम बनाई होगी कंपनी के अंदर, आप कितना कमाए आई डोंट नो, लेकिन अगर केवल 12 लोगों को एक हफ्ते के अंदर रेफर कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, मेरी पूरी टीम आपके साथ है, ट्रस्ट मी आप एक महीने के अंदर X3 और X4 दोनों मिला के एक महीने के एक हफ्ते के अंदर 1,73,000 रुपए भी कमा सकते हैं। आप बोलो सर कैसे पॉसिबल है, फालतू की मजाक की बातें मत करो मेरे दोस्त, मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, और जितने भी लोग यहाँ पे चाहे वो लीडर हो चाहे तो फर्स्ट टाइम आए हो, आज आपको नहीं जाना है कहीं, क्योंकि आज इस मीटिंग के अंदर मेरी अपलाइन भी है भाई, लेकिन उसके पहले आपको मैंने प्रॉमिस करा है वो दिखाना बहुत जरूरी है। क्या सच में यहाँ पे आप अगर काम नहीं भी करते हैं, या फिर सच में ऐसा होता है दुनिया के इकलौता प्लान सच में है जहां पे आपकी अपलाइनों के काम करने से इनकम आता है, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल मेरे दोस्त सच है, लेकिन हो सकता है आप ना भी मानो और मानना भी नहीं चाहिए भाई, लेकिन आप बड़ा ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को और बड़ा ध्यान से देखें स्क्रीन को। मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन ऑन कर रहा हूं और देखिए बहुत ध्यान से क्या सच में लोगों ने यहाँ पे कमाया है। देखो कंपनियों के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कंपनियों के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सच में उनको आता कुछ नहीं है। 1,00,000 रुपए बताते हैं तो 50,000 आता है, 10,00,000 बताते हैं तो 4,00,000-5,00,000 रुपए, और कभी वो अपना अकाउंट ओपन करके अपनी आईडी ओपन करके नहीं दिखाते। दुनिया का इकलौता सिस्टम, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई, कोई भी इंसान ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक आईडी दिखाता हूं 3220, ये मेरे डाउनलाइन में है, मेरे स्पॉन्सर में है, अपलाइन आईडी देखो 1412, ये मेरी आईडी है, और यहाँ पे आप देखो 1,10,234 रुपए की अर्निंग करी है, और पार्टनर्स देखो 0, एक भी इंसान को बिना रेफर किए इन्होंने 1,00,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग करा है। और बेस्ट पार्ट इज व्हाट, स्टैटिक्स में जाओ, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त आपको जान के हैरानी होगी, 1 जून की ज्वाइनिंग है, 3 महीने में इन्होंने 1,00,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग किया। बुरा मत मानना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग कंपनी से आए होंगे, और जिन्होंने अलग अलग कंपनी से आके 4-5-6 महीने से काम कर रहे होंगे, लेकिन आज उनकी इनकम 1,10,000 रुपए लास्ट 3 महीने के नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ बुरा मत मानना मेरे भाई, लेकिन सच्चाई को आपको समझना जरूरी है। 1412 ये मेरी आईडी है, 19,48,230 रुपए कितने महीने में, 1 जून से लेके अभी तक टोटल अर्निंग आप देखो 19,48,230 रुपए, और टोटल डायरेक्ट कितना है 59 लोगों का। एक चीज यहाँ पे आप बहुत जबरदस्त समझिए कि अगर आपको बड़ी इनकम करनी है आपके जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं इनको बड़ा करना पड़ेगा, अगर इनको आप बड़ा करते हैं बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं उनको आपको बड़ा करना पड़ेगा। मेरी दूसरी आईडी है, बड़ा ध्यान से आप देखिए 1297 भाई, 1297 के अंदर आप देखेंगे 80 से ज्यादा आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, 81 स्पॉन्सर, 35,44,650 रुपए की अर्निंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून, दोनों को आप कर लेना कैलकुलेट। और हमारी तीसरी भी आईडी, तीसरी आईडी को भी अगर मिला लें 1 जून से लेकर अभी तक 80,00,000 रुपए ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं मेरे दोस्त। और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर्स बढ़ाए, हमने लगातार काम किया, आप ही के जैसे हम भी किसी न किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग की कंपनी से बिलोंग करते थे मेरे दोस्त, हम भी बड़ी बड़ी बातें करना जानते थे, हम भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम भी नए नए सूट पहन के जाते थे, लेकिन मेरे दोस्त आपको भी पता है If you thinking about, if you believe that money is not everything, but you need money for everything, आप कितना भी दिखा लो, कितना भी बता लो, लेकिन कभी ना कभी आपको regret feel होता होगा, काश पैसे सच में जो है मेरे पास उससे ज्यादा होता,
और अगर आप ये सोचते हो, ट्रस्ट मी, फोर्सेस के अंदर जिंदगी बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आपने शिद्दत से एक महीने भी दिया ना मेरे दोस्त, राजेंद्र सिंह वादा करता है आपको लखपति नहीं करोड़पति बना देंगे, बसरते हमारे हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें बताने के लिए और मैं बताऊंगा भी आपको, लेकिन उसके पहले आज हमारी जबरदस्त अपलाइन मिस्टर मुआज खान से फ्रॉम मुंबई आज यहाँ पे हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको मिलवाना चाहूंगा हमारी जबरदस्त अपलाइन से, देन उसके बाद मेरे दोस्त मैं अपनी टीम से भी मिलवाना चाहूंगा। और चलिए सर से मिलवाने के पहले एक बार मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ मेरी टीम का। जितने भी लोग यहाँ पे 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अर्निंग किया, जल्दी से हैंड रेस कर दें स्क्रीन के अंदर, सो दैट मेरे जो नए दोस्त हैं उनको समझ में आ जाए कितने लोग हैं। जल्दी से आप हैंड रेस कर दें जो लोग 1 लाख से लेके लास्ट 1-2 महीने के अंदर 5 लाख तक की अर्निंग किए। बड़ा देखो दोस्त मेरे, यहाँ पे करीब करीब मेरे को लगता है 300-350 लोग होंगे जो हमारे ऑलरेडी ज्वाइनिंग मेंबर है वो आज मीटिंग के अंदर है, और उनमें से 30-31-32 लोगों ने ऑलरेडी 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में अर्निंग करा है मेरे दोस्त। और आप देखिए बड़ा ध्यान से, आप लोग प्लीज अपना रेज डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें। जितने लोगों ने 5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में अर्निंग करा है लास्ट 1-2 महीने के अंदर, जल्दी से हैंड रेज करके बता दें। जिन लोगों ने 5 से लेके 15 लाख से 20 लाख के बीच में अर्निंग करा है मेरे दोस्त, आप देखो ये है कहानी इंफोसिस का, और दिस इज द रियल राइट। अगेन आई एम सेइंग दैट एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाइड। मिस्टर ब्रजेश सिंह इनके आईडी नंबर है 1945, किसी की भी आईडी नंबर डाल के आप देख सकते हो। आप बताओ किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर आप अपनी अपलाइन का क्या आईडी नंबर देके डाल के देख सकते हो, पासवर्ड होते हैं मेरे दोस्त भाई, ये है कमाल। और ये कैसे हुआ, किसके सानिध्य में हुआ, किन्होंने हमें गाइड करा, कैसे हम लोग उनकी बात, और अगर आज आप समझते हैं उनकी बातें सुनते हैं तो ट्रस्ट मी ये आपके साथ भी हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू इनवाइट माय अपलाइन माय मेंटर मिस्टर मुआज सर। सर प्लीज अगर आप हैं यहाँ पे, स्वागत है आपका। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? बहुत जबरदस्त सर, वेरी गुड इवनिंग जी, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। अभी आप सबके सामने मैं बात कर सकता हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रह गए, इश्यूज रह गए, उसे भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका वेबिनार तो हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, जितने भी लोग हैं सभी लोग एकदम हुक्ड रहते हैं वेबिनार के अंत तक के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से इस कदर एनर्जेटिक वेबिनार लेने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी था, उससे पहले मैं आपकी बात दोहराना चाहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सही बात कहा आपने कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो कोई भी नई चीज को ट्राई करने के लिए पहले डरते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, या कहीं मैं गलत चीजों में ना पड़ जाऊं। बट कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम धरे के धरे रह जाए और दुनिया आगे निकल जाए। हमने ऐसा भी वक्त देखा है जब हवा में उड़ना, एक दूसरे को देखे बगैर एक दूसरे से बात करना, पहले चिट्ठियों का जमाना रहता था, अभी यहाँ से हम कई मीलों दूर तक के मैसेज भेज सकते हैं, ये सब चीजें पहले एक फैंटेसी थी, ये सब चीजें पहले कोई सोचता नहीं था, ये सब पहले सबको एक सपना लगता था, एक मिथ लगती थी कि ऐसा भी क्या पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। आज भी बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी को अभी नहीं अपनाए हैं, बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आगे चल के कुछ नहीं होगा इसके साथ, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लफ है। लेकिन हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि कितने सारे स्टेट्स जो है वो कंटिन्यू इसे अपना रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू किया है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है जिन्होंने इसे एक अर्निंग सोर्स की तरह इस्तेमाल करना चालू किया है। तो अभी भी देर नहीं हुई है ना फोर्सेज से जुड़ने की, फोर्सेज से जुड़ने की अभी भी देर नहीं हुई है, क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में आने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। कोई सोचता है कि अभी मार्केट बहुत हाई चला गया है, अभी इसमें हम आके क्या करेंगे, इसमें हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी नहीं, आप फोर्सेज से कमाते हैं, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहती, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो डेली रिटर्न देगा आपको, आपको इसमें काम करना रहता है और आपको इसमें कमाना रहता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरे हम प्लेटफॉर्म्स में देखते हैं, दूसरे हम सिस्टम्स में देखते हैं, वहां पे अर्निंग हमारी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, आपको एक टारगेट अचीव करना रहता है एक हफ्ते के अंदर, वरना आपकी आईडी बैन हो सकती है, उसका डर रहता है। बट जहां हम फोर्सेज की बात करें, आप 1 लाख रुपया एक
साल में कमाए, एक महीने में कमाए, एक हफ्ते में या एक दिन में, ये आपके ऊपर है। आप टोटली अपने कमाई के मालिक रहते हैं कि आपको कितनी बड़ी इनकम आपको कितने कम समय में करनी है। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास है जो 3 महीने के अंदर लाखों कमा चुके हैं। हमारे आप सबकी अपलाइन ही देख लीजिए, हम सबकी टीम में से ही देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स है। राजेंद्र सर है, यद्वेंद्र सर है, श्रीराम सर है, मेरे खुद के पार्टनर नीतीश सर वो भी है। हम सभी ने बहुत बड़ी इनकम की है सिर्फ 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अप्लाई नहीं कमाती, हमारे डाउनलाइंस के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो 30 से 40 लाख के अंदर कमा चुके हैं, 10 से 15 लाख के अंदर कमा चुके हैं, और बहुत लोग अभी भी कुछ ऐसा सोच रहे कि हाँ हमें करना है, हमें करना है, बट वो आगे बढ़ नहीं रहे, वो अभी तक ही चालू नहीं किए हैं अपने दोस्तों को बताना, अपने रिश्तेदारों को बताना, उन्होंने अभी तक की अपनी टीम के बारे में, अपने अर्निंग सोर्स के बारे में बताना चालू नहीं किया है। वो अभी भी पीछे बैठ के देख रहे हैं कि हाँ हम देखेंगे कि हमें इससे कितना आता है। आप रुकिए नहीं, आप अपना काम जारी रखिए, आपको देखना रिजल्ट्स आपके एक हफ्ते में, 10 दिन में, एक महीने में कितने होते हैं। आप आज अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कल कोशिश कीजिए कि आप 2 स्टेप आगे बढ़े। तो होप आप सभी को ये फोर्सेज के बारे में समझ में आया होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, मैं फिर से कहना चाहूंगा बहुत एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन रहता है आपका। एक अनाउंसमेंट भी था छोटा सा, अभी हमने XXX का लॉन्च को विटनेस किया, उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज ओवरकम किया फोर्सेज की टीम ने भी, हमारे टीम ने भी, हमारे ओवरऑल टीम ने भी। तो हमने प्लान किया है कि एक्स गोल्ड का ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में लॉन्च किया जाए एक्सक्लूसिवली हमारे टीम के लिए। ये आपको फोर्सेज के ऑफिशियल वेबिनार, फोर्सेज के ऑफिशियल चैनल पे भी अभी देखने नहीं मिलेगा। 28 सितंबर से ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चालू हो गए, क्योंकि जूम मीटिंग्स में पॉसिबल नहीं रहता कि 1000 के ऊपर कैपेसिटी जाए, तो हम चाहते हैं कि सभी एक साथ एक टाइम पे देख सकें। मुआ सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी 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 ओके ठीक है। तो हाँ, अनाउंसमेंट यही था कि हम सभी ने प्लान किया है कि आप सभी के लिए, हमारे टीम के लिए एक्स गोल्ड से रिलेटेड एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया जाए जो 28 सितंबर से चालू हो गए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे टीम मैट के। आप सभी उसे अटेंड कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि जूम मीटिंग में 1000 के ऊपर कैपेसिटी नहीं जाती है, तो हमने कोशिश किया है कि YouTube पे लाइव प्रीमियर हो। लेकिन 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 अगर इस वेबिनार को, इस ट्रेनिंग सेशंस को वही लोग अटेंड कर पाएंगे जो वक्त के पाबंद है, जो लोग सही में अपने जिंदगी में कुछ आगे बढ़ के करना चाहते हैं, जो सही में फोर्सेस से बड़ी अर्निंग ले जाना चाहते हैं अपने घर पे, जो सही में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इसलिए ये प्रीमियर नो रिपीट टेलीकास्ट रहेगा। इसका कोई रिप्ले, इसका बाद में कोई अपलोड नहीं किया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक ही बार प्रीमियर होगा, वो सभी को, आप सभी को वो टाइम बताया जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे वो अपलोड होगा। वो वीडियो एंड होने तक के प्रीमियर रहेगा, आप सब वो टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, देन उसके बाद में वो वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगा कहीं पर भी। इस ट्रेनिंग सेशन में हम कवर करेंगे एक्स गोल्ड के वर्किंग के बारे में। एक्स गोल्ड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन,